नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी चरण के मतदान का चुनाव प्रचार खत्म होते ही कन्याकुमारी जाएंगे। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग है और 30 मई की शाम प्रचार रुक जाएगा। पीएम मोदी 30 से 1 जून तक कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। 30 मई से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडप में ध्यान करेंगे और एक तरफ जब मतदान हो रहे होंगे तो दूसरी तरफ पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने से संबंधित याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है, यह लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैक्स के डॉक्टर्स ने जांच की तो उसमें PET, CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। इसके लिए 7 दिन की मांग की है। कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से देरी से याचिका दायर करने पर भी सवाल उठाया। हिमाचल प्रदेश में जनसभा संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने केवल अपने खरबपति मित्रों को खुश करने की नीतियां बनाई। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन देने की केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, जबकि उन्होंने उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। मिजोरम के आइजोल जिले में पत्थर की एक खदान ढह जाने से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग लापता हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में आज सुबह लगातार बारिश के बीच यह हादसा हुआ। कई शवों को बरामद किया गया जबकि कई अन्य लोग मलबे में फंसे हुए हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने प्रज्वल रेवन्ना मामले में कहा कि कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना अगर 31 मई को भारत नहीं लौटते हैं तो उन्हें विदेश से वापस लाने की अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि JDS सांसद के वापस आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे कर्नाटक हसन के JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो में दावा किया है कि वे डिप्रेशन में हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने माता पिता से माफी मांगता हूं, मैं भारत वापस आकर 31 मई को SIT के सामने पेश हो जाऊंगा। पश्चिम बंगाल के 12 में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि TMC माँ मानुष और माटी की बातें करती है, लेकिन यहाँ महिलाओं के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है इसे दुनिया देख रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम भ्रष्टाचारियों की काली कमाई का एक्सरे करेंगे और भ्रष्टाचार करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह गाली प्रूफ बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह पिछले 24 साल से लगातार गालियां खाने के बाद ऐसे बन गए हैं क्योंकि विपक्ष हार के बाद इतनी हताश हो गई है कि गालियां देना अब शब्द बोलना उनका स्वभाव बन गया है। सर, इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक पर्सनल अटैक्स बहुत हो रहे हैं, लाइक आप पर भी कई बातें बोली गई हैं और आपकी तरफ से भी कुछ लोगों को कुछ बोला गया है, तो पर्सनल अटैक्स किस लिए इस बार आपको लगता नहीं ये शैली नहीं होनी चाहिए चुनावों में? जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट ने एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियां देना अब शब्द बोलना ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया। पुणे कार हादसे में नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को 31 मई तक पुलिस ने हिरासत में भेज दिया है। पुणे पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी 17 वर्षीय किशोर के दादा और पिता ने दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने सिर लेने के लिए परिवार के वाहन चालक को पैसे का लालच और धमकी दी थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि कुर्सी सब सिखा देती है, इसलिए CM भजनलाल शर्मा घबराए नहीं क्योंकि घबराए तो चले जाएंगे, मोदी शाह उनको बाद में हटा देंगे।
मोदी और अमित शाह की यही स्टाइल है कि पहले प्यार मोहब्बत करो, तारीफ करो, फिर हटा दो। उन्होंने आगे कहा कि मेरी हमदर्दी उनके साथ है, मैं चाहता हूं कि सीएम भजन लाल शर्मा पूरे 5 साल पूरे करें। राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव परिणाम से पहले ही जीत का दावा किया है। भाटी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी चुनाव पंडितों की भविष्यवाणी 4 जून को फेल हो जाएगी। वो ऐतिहासिक मार्जिन के साथ चुनाव जीतेंगे और वो बड़े अंतर में चुनाव जीत रहे हैं। इधर देश का चर्चित फलौदी सट्टा बाजार अब भी यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत बता रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।